पर्दे के आगे तो सब कुछ दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे आखिर है क्या? नमस्कार, डिजिटल खबरीलाल के खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे में आप सभी का स्वागत है। प्रशांत किशोर, जिन्हें लोग पीके के नाम से जानते हैं, अब तक वह दूसरों की राजनीति चमकाया करते थे, या यूं कहें कि उन्होंने बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के लिए काम किया है, लेकिन अब वह खुद अपने लिए काम कर रहे हैं। बिहार में उनकी जन स्वराज पार्टी की गठन होने जा रहा है, 2 अक्टूबर से यह पार्टी अस्तित्व में आएगी। इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक 6 सदस्य संविधान समिति का भी गठन किया है, जिसमें सभी प्राय नौकरशाही हैं, ब्यूरोक्रेट्स। अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में यह कमेटी का गठन किया गया है जो पार्टी का संविधान तैयार करेगी, और उन्होंने यह भी कहा है कि यह संविधान 2-3 महीने के अंदर आप लोगों को सभी को देखने को मिलेगा। उनकी इच्छा या मनसा कहें, 1.5 करोड़ लोगों को इसमें शामिल करने का है, सदस्य बनाने का है, और अभी तक इनकी पार्टी में जो जाना पहचाना नाम या जिनके परिवार का नाम है, वो 5 लोग इसमें अभी तक शामिल हो चुके हैं, जिसमें भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉक्टर जागृति हैं। डॉक्टर जागृति कर्पूरी ठाकुर के दूसरे बेटे बीरेंद्र की बेटी हैं। पूर्व IPS आनंद मिश्रा इसमें शामिल हुए हैं, जो कि बक्सर में पिछला लोकसभा चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से लड़े थे, 47,000 के करीब उनको मत मिला था। इसके अलावा पूर्व राजद MNC प्रोफेसर रामबलि सिंह चंद्रवंशी हैं, ये RJD के MNC थे। अनुशासनहीनता के आरोप में इन्हें हाल ही में विधान परिषद से बर्खास्त किया गया है। दूसरे बिहार के पूर्व मंत्री मुनाजिर हसन हैं। इसके अलावा जदयू नेता मंगनीलाल मंडल की बेटी प्रियंका है। अब सवाल यह उठता है कि 5 जो नाम है, ये कोई बहुत बड़े नाम नहीं है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर की पोती का एक नाम जरूर कह सकते हैं, डॉक्टर जागृति, जिसके जरिए उस वोट बैंक पर इनकी निगाह है। दरअसल 36% अति पिछड़ा वर्ग का वोट बिहार में है, और जिसमें नाई जाति का वोट काफी ज्यादा है, और कर्पूरी ठाकुर उसी जाति से आते थे। शायद यही कारण है कि उन्होंने डॉक्टर जागृति को अपने साथ जोड़ा है। इस पर जदयू का कहना है कि लोगों को यह याद जरूर रहेगा कि डॉक्टर जागृति PK के साथ गई हैं। क्या उन्हें यह याद नहीं रहेगा कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न किसने दिया है? तो भारत रत्न ज्यादा प्रभाव डालेगा चुनाव पे। अब रही बात इनकी पार्टी की, तीनों ने PK ने साफ कहा है कि हम किसी के साथ चुनाव पूर्व या चुनाव बाद किसी तरह का कोई समझौता या गठबंधन नहीं करेंगे, और जो भी आपसे पूछे, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी आपसे पूछे, आप सीधा ये कहें कि हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, 242 पे भी नहीं लड़ेंगे। यानी यह कहकर उन्होंने किसी भी अन्य दल के साथ समझौता करने के सारे रास्ते को चुनाव पूर्व या चुनाव बाद बंद कर दिया है, यानी कोई चुनाव पूर्व या चुनाव बाद वो समझौता नहीं करेंगे। फिलहाल उनका यही स्टैंड है। अब रही बात, उन्होंने यहां तक कहा कि या तो हम फर्श पे मरेंगे या तो अर्श पे मरेंगे, यानी या तो हम सत्ता हासिल करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन समझौता के तहत नहीं जाएंगे। जरूरत पड़ी तो हम 5 साल फिर मेहनत करेंगे, उसकी तुलना उन्होंने की कि हम काई रगड़ेंगे और 5 साल बाद फिर चुनाव में आएंगे, लेकिन किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। अब सवाल यह उठता है, इन तमाम चीजों के बाद प्रशांत किशोर PK जो पार्टी का गठन कर रहे हैं, जो 2 अक्टूबर से अस्तित्व में आएगा, हालांकि इसके पहले वो साल भर से करीब पिछले ही 2 अक्टूबर से वो पदयात्रा कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, हजारों गांव, कस्बे और छोटे शहरों में वो दौरा कर चुके हैं, और उसके फीडबैक के बाद वो पार्टी बनाने जा रहे हैं,
पार्टी क्या बना, पार्टी उन्होंने विधिवत घोषणा कर ही दी है, पार्टी अस्तित्व में आएगी 2 अक्टूबर से। अब सवाल यह उठता है कि इनकी पार्टी आने के बाद सबसे ज्यादा लाभ या नुकसान क्या होगा। इन्होंने जो नारा दिया है, सही लोग सही सोच और सामूहिक प्रयास, ये नारा तो बहुत बढ़िया है। सही सोच और सही लोग की जहां तक बात है, अभी तक जो इनके लोग जो जुड़ रहे हैं, इसमें अधिकांश कहें या यूं कहें कि बहुतेरे जो लोग हैं इसमें गैर राजनीतिक ज्यादा है, राजनीतिक लोग नहीं है। यहां तक कि जो संविधान समिति का इन्होंने जो गठन किया है 6 सदस्य, उसमें भी कोई राजनीति के लोग नहीं है। या यूं कहें कि नौकरशाह को जो यदि छोड़ दें तो इसके अलावा किसी अन्य क्षेत्र से कोई भी आदमी नहीं है। इसलिए इनकी पार्टी की रूपरेखा क्या होगी, सोच क्या होगा, अभी से कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। अब इनकी पार्टी से किसको क्या लाभ और क्या नुकसान होगा, इसके लिए जो बिहार में जो 3 मुख्य दल हैं RJD, JDU और BJP, इनकी प्रवक्ताओं की बात को यदि सुने तो तस्वीर साफ हो जाएगी। JDU के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि राजनीति के जितने भी छूटे हुए कारतूस हैं वही इनके साथ हैं। और दरअसल पीके राजनीति में व्यवसाय करते थे, व्यवसाय जब विफल हो गया है तब वो अब राजनीति में आए। ऐसे में यह उम्मीद लगाना कि इनके आने से बहुत कुछ बदल जाएगा ये बेमानी है। और इनका जो भ्रम है कि हम ही हैं तो पृथ्वी है, वो 2025 में टूट जाएगा। दूसरी तरफ RJD के जो प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं, उनका कहना है कि ये बार बार लालू राज की बात करते हैं, पुराना कैसेट बजाते हैं। सच तो यह है कि आज तक इनका यह नहीं बता पाए कि इनकी मंशा क्या है और बिहार में आखिर करना क्या चाहते हैं। इन्होंने कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया है। और कर्पूरी ठाकुर की पोती के ज्वाइन करने पर ये कह रहे हैं कि आज कर्पूरी ठाकुर की आत्मा करा रही होगी। वही BJP के प्रवक्ता राकेश सिंह का कहना है कि राजनीति में जो घिसे पीटे लोग हैं वही प्रशांत किशोर के साथ आए हैं, यानी JDU और BJP का जो बयान है कमोबेश एक जैसा है। और ये भी कहते हैं कि इन्होंने बिहार में राजनीतिक टेंट जो लगाना शुरू किया है ये 2025 में उखड़ जाएगा। और बिहार के लोगों को पता है कि बिहार की डबल इंजन की सरकार जो है वही बिहार का विकास कर सकती है और किसी की बस की बात नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि बिहार में अब तक इंडिया और NDA के बीच चुनाव हो रहा था, ऐसे में क्या एक तीसरा दल की कोई संभावना है। फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि अभी हाल ही में रुपौली विधानसभा उपचुनाव में NDA के उम्मीदवार यानी जनता दल यू के उम्मीदवार कलाधर और दूसरे RJD से बीमा भारती चुनाव हार गई और निर्दलीय शंकर सिंह चुनाव जीत गए। कहा यह जा रहा है कि पर्दे के पीछे से शंकर सिंह का काम पीके और पीके की टीम ही देख रही थी। ऐसे में 2 अक्टूबर को इनके दल आने के बाद क्या होता है और 2025 में वाकई क्या पीके गोल खिला पाएंगे, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय पर्दे के पीछे में। मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह।